अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे। मैं रोहित कुमार, लेक्चरर केमिस्ट्री, मदर इंडिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल आर्सपुरा से। जैसे कि हम यूनिट थर्ड में क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज कर रहे थे और हम उसमें डिस्कस कर रहे थे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, टुडे हाँ अगली पीरियोडिक प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे नेम्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। कल हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी की थी आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि हमें कितनी एनर्जी चाहिए ताकि हम एक एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकें, ताकि हम क्या बना सकें कैटायन। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होती है वो रिवर्स प्रोसेस होता है आयनाइजेशन एनर्जी का। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम कभी कभी इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी भी कहते हैं। ये क्या होती है कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब एक न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा अपनी आउटर मोस्ट शेल में, ताकि वो क्या बना सके एक गैसियस नेगेटिव आयन, जिसे हम कहते हैं एनायन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल्टा ई जी एच, मतलब एक एटम के आउटर शेल मोस्ट शेल में अगर हम किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा एनर्जी रिलीज होगी। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। डेट इज कोई अगर एक्स एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा एनायन एचओ। जितनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज होगी इस प्रोसेस में उतनी ही ज़्यादा इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी होगी उस एलिमेंट की। वेरिएशन इन द पीरियोडिक टेबल अलॉन्ग द पीरियड, इन जनरल देखें जो इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी है वो इंक्रीज करेगी जब हम मूव करते हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन द पीरियोडिक टेबल। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हम मूव करेंगे फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा और न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होगा। जो न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होने से वो जो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन होगा न्यूक्लियस उसे आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यानी कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी जो न्यूक्लियस की फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन वो इंक्रीज होगी, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ईजिली उसके आउटर मोस्ट शेल में चला जाएगा। इसी कारण जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो इंक्रीज करती है एज वी मूव अलोंग द पीरियड। नेक्स्ट इज डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो कम होती जाती है जब हम मूव करते हैं डाउन द ग्रुप। हमको पता है डाउन द ग्रुप जाएंगे तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, क्योंकि हर एलिमेंट के साथ एक न्यू शेल ऐड होगी और न्यूक्लियर चार्ज भी इंक्रीज होता है। बट जो इफेक्ट होता है एटॉमिक साइज का वो बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। अब इतना बड़ा एटॉमिक साइज है जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है न्यूक्लियस की कि वो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच सके, वो क्या हो जाती है डिक्रीज, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में इतनी आसानी से नहीं जाएगा, जिसके कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी डाउन द ग्रुप क्या करेगी डिक्रीज करती है। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या थी कि कितनी एनर्जी रिलीज होगी जब हम एक एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन को ऐड करें, एंड इट्स वेरिएशन हैज बीन डिस्कस्ड। सो विद दिस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियोडिक प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड एंड टुडे लेक्चर इज ओवर। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।